Hello Medicos, I am Ankita Lunawat and welcome back to my channel The Learning Medico. So, आज की वीडियो में हम देखेंगे स्टेटस एपिलेप्टिकस. सो स्टेटस एपिलेप्टिकस एक 5 मार्क्स क्वेश्चन है. ऑल्सो फॉर हैंड रिटन नोट्स ऑफ ऑल माई वीडियोज यू कैन फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम एट द लर्निंग मेडिको. लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है. ऑल्सो डू चेक आउट माई बुक पैरासाइटोलॉजी नोट्स व्हिच इज अवेलेबल ऑन अमेजॉन. जाइए देखिए आपको बुक कैसी लगती है और अपने प्यारे प्यारे रिव्यूज जरूर शेयर कीजिए. सो लेट्स स्टार्ट विद टुडेज टॉपिक स्टेटस एपिलेप्टिकस. हम न्यूरोलॉजी की ये पूरी सीरीज कंप्लीट करेंगे प्रैक्टिस ऑफ मेडिसिन पेपर 2 की. और आज का टॉपिक है स्टेटस एपिलेप्टिकस. तो एपिलेप्सी, अगर आपने एपिलेप्सी की वीडियो नहीं देखी तो पहले वो देख लीजिए. उसमें मैंने बहुत सारे टर्म्स क्लियर किए हैं ताकि आपको ये टर्म समझ में आएंगे. सो फर्स्ट इज डेफिनेशन. स्टेटस एपिलेप्टिकस इज डिफाइंड एज रिकरेंट सीजर विदाउट गैप ऑफ कॉन्शियसनेस. मतलब अगर पेशेंट को सीजर होता है उसके बाद बीच में लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस होता है, गैप होता है, उसे कंटिन्यू सीजर्स नहीं आते हैं. बट स्टेटस एपिलेप्टिकस में क्या होता है, पेशेंट को कंटिन्यू सीजर्स आते हैं और बीच में कोई गैप नहीं रहता है. ये ड्यूरेशन होता है 60 to 120 seconds का एंड सीजर्स लास्टिंग मोर देन 30 minutes. इट इज एस्टेब्लिश्ड स्टेटस. नाउ सीजर्स में अकर एज, अब ये सीजर्स कैसे आ सकते हैं, हमने टाइप्स ऑफ सीजर देखा था, पार्शियल सीजर एंड जनरलाइज सीजर. तो उसमें जनरलाइज में हमने देखा था टोनिक क्लोनिक स्टेटस एपिलेप्टिकस. और ये जो होता है ये सबसे ज्यादा ड्रामेटिक होता है. पेशेंट पहले गिरता है, अनकॉन्शियस नहीं होता है, स्टिफनेस आता है और फिर उसमें शेकिंग आती है. नाउ इसके क्या है, एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स एकदम विथड्रॉ होने की वजह से एकदम से बंद कर दिया तो मेनिनजाइटिस की वजह से होता है, एनसेफेलाइटिस की वजह से होता है या फिर अल्कोहल विड्रॉल. एकदम से अल्कोहल, जो अल्कोहलिक होता है ना उनकी एकदम से अल्कोहल नहीं बंद कर सकते, उन्हें थोड़ी थोड़ी करके अगर एकदम से बंद कर दी जाए तो पेशेंट विड्रॉल में जाता है. नेक्स्ट इज द कॉम्प्लेक्स पार्शियल स्टेटस एपिलेप्टिकस मैनिफेस्ट विद प्रोलॉन्ग पीरियड ऑफ कन्फ्यूजन, डिसओरिएंटेशन एंड एमनेशिया. मतलब बहुत देर तक, बहुत लंबे समय तक पेशेंट को कंफ्यूजन रहती है, उसको डिसओरिएंटेशन, उसको कुछ समझ में नहीं आता कि उसके आजू बाजू को क्या हो रहा है. देन ऑब्सेस्ड एब्सेंस स्टेटस एपिलेप्टिकस अकर्स इन कंटेंट ऑफ लर्निंग डिसेबिलिटी. इट मे बी एसोसिएटेड विद कन्फ्यूजन, डिसओरिएंटेशन एंड कॉग्निटिव स्लोइंग. एब्सेंस स्टेटस एपिलेप्टिकस. देन एपिलेप्सिया पार्शियलिस कंटिन्यूआ इज फोकल स्टेटस एपिलेप्टिकस. तो इसको हम सिर्फ फोकल स्टेटस एपिलेप्टिकस भी बोल सकते हैं. यार ये याद नहीं रहता, मैंने खुद भी याद नहीं रखा था वो. नेक्स्ट उसमें क्या होता है, ऑफन रिफ्लेक्स अंडरलाइंग स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटीज एंड मे बी अनरिमिटिंग फॉर मंथ्स और ईयर्स डिस्पाइट ट्रीटमेंट विद एंटी. मतलब क्या हो जाता है, ये पेशेंट का एपिलेप्सी का अटैक आता है, वो डायग्नोस हो जाते हैं एज एपिलेप्सी, उनको बहुत सारे एंटी एपिलेप्टिक ड्रग्स दिए जाते हैं बट वो पेशेंट में ये होते ही रहता है और ट्रीटमेंट के बावजूद भी. और जब उसका स्कैन या फिर कुछ किया जाता है तब उसमें दिखाई देता है कि अंदर ही स्ट्रक्चरल एबनॉर्मलिटी है जो कि सर्जरी से ही ठीक होगी. नेक्स्ट इज द क्लिनिकल फीचर्स. तो क्लिनिकल फीचर्स में स्टेटस एपिलेप्टिकस में भी डिवाइडेड इंटू 4 stages डिपेंडिंग अपॉन द ड्यूरेशन. अब पहला है प्रोड्रॉमल पीरियड. इन पेशेंट्स विद एस्टैब्लिश एपिलेप्सी टोनिक क्लोनिक स्टेटस एपिलेप्टिकस सेल्डम डेवलप्स विदाउट वार्निंग. मतलब जो पेशेंट में ऑलरेडी एपिलेप्सी डायग्नोज है, टोनिक क्लोनिक उसको सीजर्स आते हैं तो ये एकदम से चालू हो सकता है, कुछ वार्निंग साइन नहीं देगा. देयर इज यूजुअली प्रोड्रॉमल स्टेज इन विच सीजर्स बिकम मोर फ्रीक्वेंट. अर्ली स्टेटस. वन स्टेटस एपिलेप्टिकस हैज डेवलप द फर्स्ट 30 minutes कंप्राइज ऑफ अर्ली स्टेज. मतलब जब स्टेटस एपिलेप्टिकस स्टार्ट होता है तो पहले 30 minutes में यह होता है अर्ली स्टेटस एपिलेप्टिकस. देन कम्स द एस्टैब्लिश स्टेटस, अर्ली स्टेटस इन विच इट इज कंटिन्यूड फॉर 30 minutes इन स्पाइट ऑफ अर्ली स्टेज ट्रीटमेंट. मतलब अगर 30 minutes से ज़्यादा भी कंटिन्यू हो जाए तो हम उसको बोलते हैं एस्टैब्लिश स्टेटस. एंड देन रिफ्रैक्टरी स्टेज इज द स्टेज इज रीच इफ सीजर्स कंटिन्यू फॉर 90
60 to 90 मिनट्स आफ्टर इनिशिएशन ऑफ थेरेपी, मतलब थेरेपी देने के बाद भी 60 to 90 मिनट्स तक सीजर्स चालू ही है, इट इज़ रिफ्रैक्टरी स्टेटस। सो दिस वॉज स्टेटस एपिलेप्टिकस। इसमें अगर आप आगे जाके डायग्नोसिस लिखना चाहते हो तो आप यही एपिलेप्सी वाला ही लिखोगे जो मैंने एपिलेप्सी की वीडियो में ऑलरेडी एक्सप्लेन किया हुआ है।